वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। भक्तों, किसी किसी ने जिज्ञासा की है कि भगवान को रक्षाबंधन कब अर्पित किया जाए, अर्थात उनके हाथ में राखी कब बांधे। तो कुछ लोगों को यह है बाधा कि भद्रा में नहीं बांधना चाहिए। तो ये नियम मनुष्य के लिए लागू होते हैं, परमात्मा के ऊपर किसी प्रकार का न ग्रह का शासन होता है, न किसी शुभ या अशुभ मुहूर्त का शासन होता है। मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य अल्प शक्ति का प्राणी है, देवी देवता के बराबर शक्ति तो होती नहीं मनुष्य की, इसलिए शुभ मुहूर्त में सब काम करने पड़ते हैं। लेकिन भगवान के कार्य जितने होते हैं, जब आप करिए वही मुहूर्त शुभ हो जाता है। आप ये विचार कर लीजिए कि भगवान के तो सेवक हनुमान जी से ही सब ग्रह डरते हैं। भगवान के सेवक हनुमान जी हैं, सब ग्रह उनसे डरते हैं, कोई मुहूर्त नहीं बाधा डाल सकता है। और कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, नारद जी ने कहा था भगवान को कि शुभ शुभ आपके लिए बराबर होते हैं। और गरल सुधा रिप करी मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो भगवान के लिए क्या बाधा डाल सकता है? अरे, महान सिद्ध पुरुष ही भगवान की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके सामने ग्रहण ग्रह और नक्षत्र और ये बाधाएं टल जाती हैं। कितना भयंकर विष मीरा जी ने पी लिया, कुछ नहीं हुआ। कितने ग्रह और कितने ग्रहण ये लगते रहते हैं, उनका सूतक प्रमाण मिलता है कि रसिकाचार्यों के कुंजों में ग्रहण लगा हुआ नहीं दिखलाई पड़ा, सूतक नहीं लगा। तो भगवान के लिए ये विचार नहीं किया जाता है कि मुहूर्त अच्छा है कब बुरा कब है, क्योंकि भगवान के पास कोई विपरीत शक्ति जा नहीं सकती है। शुभ अशुभ मुहूर्त का कोई भेद नहीं इसलिए होता, कोई प्रकार की शक्ति का शासन भगवान के ऊपर नहीं चल सकता है, न ग्रहण का और न किसी ग्रह का। इसलिए भगवान के लिए जब आपके मन में प्रेम मुड़े, जब भाव हो, तभी आप प्रभु को राखी बांध सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। मनुष्यों के लिए नियम होता है, ठाकुर जी के लिए नियम नहीं होता है। हाँ, किसी के हाथ में, मनुष्य के हाथ में राखी बांधनी है, तब आपको मुहूर्त शुभ है कि नहीं शुभ है ये देखना चाहिए। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। गुरु जी, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्न है गुरु जी। श्री राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा नाम नीलेश संगानी है और मैं गुजरात जूनागढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, जैसे स्थूल शरीर में पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर किससे बने हुए हैं? और सुना है कि स्वर्ग में भोग देह की प्राप्ति होती है और नर्क में यातना देह की प्राप्ति होती है, तो वह देह किससे बने हुए हैं? जो आत्मा भगवान के पास जाती है, वो आत्मा कौन सा देह होता है? श्री राधे राधे बताने की कृपा करें। राधे राधे। आत्मा अलग अलग प्रकार की नहीं होती है। आत्मा जो हमारे शरीर में आज इस समय विराजमान है, वही आत्मा अधोगति में गए हुए जीवों के पास भी होती है, वही आत्मा पशु पक्षी के पास भी होती है, त्रियकी उनके प्राणियों के पास भी होती है, वही आत्मा भगवत धाम जाती है। बस उनको शरीर जो मिलता है वो भिन्न होता है। यातना देह की बात आपने कहा, या देव शरीर प्राप्त होता है जब स्वर्ग में जाते हैं या भगवत धाम में जाते हैं, प्रभु के पार्षद का शरीर मिलता, आत्मा वही रहता है। आत्मा किस गोलक में जाएगा, अर्थात किस देह के आधार में
उसको माध्यम बना के जाएगा, वो बात अलग होती है। तो यहाँ पर जितना खाद्य पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, सब पंचभूत के बने होते हैं, इसलिए पंचभूत का ही शरीर होता है उसको ग्रहण करने के लिए। लेकिन देवी देवताओं का सुगंध जो होती है, हवन जैसे करते हैं सुगंध होती है, तो सुगंध को ग्रहण करने के लिए घ्राणेन्द्रिय पर्याप्त है, किंतु उस घ्राणेन्द्रिय का गोलक नहीं चाहिए, अर्थात तो बहुत सूक्ष्म होता है, उसको ग्रहण करने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से स्वर्ग में जाने के लिए भी स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, और भगवत धाम जाने के लिए भगवान की ओर से जो दिव्य देह की प्राप्ति हो जाती है, वो जाता आत्मा वैसा के वैसा रहता है, उसमें भेद नहीं होता है। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न गुरु जी का, गुरु जी मैं रोज ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे खाने में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, यह विस्तार से बताएं, और सिद्धासन में बैठने का सही तरीका हो सके तो विस्तार से बताएं, सिद्धासन में बैठने से क्या क्या फायदा होता है वह भी बताएं, ध्यान में बैठने में रुचि बढ़े उसके लिए कौन सा उपाय करें कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। सिद्धासन ऐसे बताने से समझ में नहीं आएगा, यहाँ आप सम्मुख बैठे हो तो अलग समय में सिद्धासन लगा करके सिखाना होगा, और तब आप सीख पाएंगे जब उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो। और एक तो सिद्धासन की बात पूछा इन्होंने, और क्या पूछा, खान पान की बात। खान पान में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए आपने पूछा है, तो निषिद्ध आहार, तमोगुणी आहार, रजोगुणी आहार यह नहीं लेना चाहिए, सात्विक आहार ही। गीता जी के 17वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो गीता जी के 17वें अध्याय में तीनों प्रकार के आहार का विवेचन किया गया है, वहां सत्व आहार जो बताए गए हैं वही ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में, सात्विक साधना में सहायक होते हैं। सत्वात संजायते ज्ञानम, सात्विक गुणों का विकास सात्विक अन्न के द्वारा होता है। लेकिन एक मूल पैमाना मैं आपको बता रहा हूं कितना खाना चाहिए, इस विषय में भोजन इतना होना चाहिए कि पेट की याद न आवे। पेट की याद कब आती है, जब भोजन ज्यादा कर लें तब, या बिल्कुल न खाए हो तब, भूख लगी हो खाने को कुछ न मिले तो पेट की याद आएगी, और बहुत ज्यादा खा लिया है अब मन होगा कि परेशानी हो रही लेट जाए तब पेट की याद आएगी। तो ज्यादा खाने से या बिल्कुल बहुत ज्यादा कम खाने से पेट की याद आती है, तो पेट की याद ना आवे तो भगवान की याद में सुविधा रहता है। तो भोजन इसीलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो होति दुःखः। ये छठे अध्याय गीता जी के छठे अध्याय भगवान ने कहा, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनस्नतः, न ज्यादा खाने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बिल्कुल न सोने वाले का योग नहीं सकता। इसलिए युक्त आहार विहार, उपयुक्त आहार विहार, उपयुक्त खान पान की आवश्यकता होती है। श्री राधे राधे। गुरु जी ये कह रहे हैं कि ऐसे कौन से संतों का, भक्तों का चरित्र सुने जिससे कि ध्यान में बैठने में रुचि ज्यादा से ज्यादा बड़े, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। जिन संतों का चरित्र आपको प्रतिदिन सुनाया जा रहा है, इनमें से लगभग सभी ही ऐसे हैं कि जिनका चरित्र सुनने से ध्यान, जप, भगवान से प्रेम, भक्ति, वैराग्य, इनकी वृद्धि होती है। संतों भक्तों के चरित्र में सभी में विशेषता है,
जो भगवत विमुख जन है उनका चरित्र तो सुनना ही भी नहीं चाहिए और न उनसे कोई फायदा होता है। जितना ही तितिक्षु वैरागी अनुरागी और ज्ञानी चरित्र श्रवण करेंगे उतना ही ज्यादा अपने ऊपर उनका असर होगा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, मैं मुंगेर से हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि महाराज जी, आपने सपने में आकर मुझे राम नाम की दीक्षा दे दिए हैं, क्या अब मुझे वहाँ आकर दीक्षा लेनी होगी या मेरी दीक्षा हो गई है ऐसा मैं मानूं, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। ये भाव की बात है, क्योंकि यदि कोई सिद्ध दीक्षा आपको देता, जैसे देवर्षि नारद जी देते या सनकादि मुनि देते स्वप्न में, नारद जी स्वप्न में दीक्षा देते या भगवान कृष्ण या हनुमान जी देते स्वप्न में दीक्षा, तब आपको दीक्षा लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अन्य किसी के द्वारा दीक्षा प्राप्त हुई स्वप्न में, तो अब आपका भाव बहुत ऊंचा शुद्ध होगा, शुद्ध भाव होगा, तभी ये बात मानी जा सकती है, नहीं तो दीक्षा लेना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि मैं महामंत्र करता हूँ, तो क्या मुझे महामंत्र ही करते रहना है या आप मुझे मंत्र दीक्षा देंगे, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। आप महामंत्र जप कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। महामंत्र ठाकुर जी के नाम हैं, ठाकुर जी के स्वरूप हैं, और जब भगवान की इच्छा होगी या बड़ी तीव्र जागृति होगी, भूख प्यास जैसे लग जाए, ऐसे गुरु से मिलने की भूख लगेगी, तब आप दीक्षा लीजिए। हम आपको सीधा बताना चाहते हैं कि जो नाम आप जप कर रहे हैं ना, ये सब कुछ मिलता है इनसे, महामंत्र के जप से, और गुरु की भी प्राप्ति यही करा देते हैं। नाम महाराज ही, नाम का जप ही जो है, नाम महाराज ही गुरु की प्राप्ति भी करा देते हैं। तो आप केवल जप में लगे रहिए, जब उचित समय समझेंगे प्रभु, तो अपने नाम महाराज की शक्ति के द्वारा गुरु की प्राप्ति आपको करा देंगे। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है गुरु जी कि मुझे सपने में मल्लुक पीठ वाले महाराज जी ने तिलक लगाने के लिए बोला, तो मैं कौन सा तिलक लगाऊं, उनके जैसा या आपके जैसा या रामानंदी तिलक, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे गुरुदेव। श्री राधे राधे। यदि आप अपने मन से करते तब तो आप स्वतंत्र थे, और किसी ने कहा है किसी संत ने, तो उन संत के संप्रदाय या उन्हीं के द्वारा जो तिलक धारण किया जाता है वही मान्य होता है। श्री राधे राधे। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रिचा ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे पतिदेव को बार बार सोच जाने की आदत है, वह रात में भी सोच जाकर भगवान की आरती और शालिग्राम जी की मालिश कर लेते हैं और मना करने पर भी नहीं मानते, गंगा जल छिड़क के खुद पर रोज पूजा करते हैं बिना स्नान किए, सुबह स्नान करते हैं, रात स्नान नहीं करते हैं, और यह सब करते हैं रात में पूजा से पहले गंगा जल छिड़क लेते हैं, कृपया करके उनको उचित मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। श्री राधे राधे। श्री राधे। जो भूखा होता है उसी को भोजन कराना पड़ता है। अब उन्होंने तो पूछा ही नहीं, तो मैं उनको क्या कहूँ। उन्होंने तो कुछ पूछा नहीं, वो अपने को ठीक समझते होंगे इसलिए नहीं पूछ रहे हैं। आप अपनी बात पूछिए तो आपको मैं बता सकता हूँ। बिन मांगी सलाह देने पर उसका कोई उपयोग नहीं होता है, उसका सम्मान भी नहीं होता, अपमान हो जाता है, इसलिए वो कभी पूछेंगे तब मैं बता सकता हूँ। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव। अर्जुन राजवाड़े अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरण कमलों में दंडवत। इनका पहला प्रश्न है, महाराज जी
क्या महामंत्र का जप 16 माला एक बार में नहीं कर पा रहा हूं तो क्या सुबह दोपहर और शाम तक कर सकते हैं, क्योंकि अधिक देर बैठने से पैरों में पीड़ा होती है, कृपया बताने की कृपा करें, श्री राधे राधे। यदि आपके शरीर में कोई परेशानी है तो आप जमीन पर न बैठकर कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, तखत पर भी बैठ सकते हैं, चारपाई में भी बैठ सकते हैं, सर्वोत्तम है जमीन पर बैठना। लेकिन यदि कोई बीमारी है शरीर में, परेशानी है, तब जमीन पर न बैठ करके जहां आप आराम से बैठ सके वहां बैठकर जप करिए। और माला 16 एक साथ करने वाली बात उसके लिए होती है जिसके शरीर में क्षमता है, लगन है, सामर्थ्य है जप करने की, उसके लिए है। अब जो नहीं कर सकता एक बार में 16 माला, तो वो जितनी बार में कर सके वो सब मिलाकर 16 माला कर ले, उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी कि यथा समय श्री राम नाम ले पा रहा हूं, क्या यह ठीक है? दीक्षा भी नहीं हुआ है पर अनन्यता में विरोधाभास तो नहीं है, क्योंकि एक संत जी ने महामंत्र का नियम दिए हैं, लेकिन राम नाम मुझे बहुत प्रिय, कृपया मार्गदर्शन करें, श्री राधे राधे। राधे राधे। वो एक ही है, राम नाम जो है वही महामंत्र है, दोनों एक ही हैं। राम नाम से ही महामंत्र बना है, इसलिए आपको इसमें कोई भी संकोच नहीं करना है, न कोई दोष वाली कल्पना की जा सकती है। आप जिसमें प्रेम से लगे हैं वही कल्याण करेंगे, चाहे राम नाम हो चाहे महामंत्र हो। श्री राधे राधे। पुष्पराज ललितपुर नेपाल से गुरु जी, इनका प्रश्न है महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग प्रणाम। इनका प्रश्न है गुरु जी, लगभग 3 साल होने लगा है बिना दीक्षा लिए तुलसी माला से नाम जप करता हूँ, मांस मदिरा छोड़ दिया है पर परिवार में रहने के कारण प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मैं मानसिक रूप से ही सुबह के 9 बजे करीब इष्ट देव को दाल भात सब्जी रोटी आदि खवाता हूँ, पकवान सब मानसिक होता है, भौतिक वस्तु नहीं, क्या यह ठीक है? क्योंकि घर के बाकी सदस्य मांसाहार होने के कारण वह सब्जी अचार में भी लहसुन प्याज मिलाने के कारण मैं स्वयं भोजन करते समय उस भोजन को मानसिक रूप से भी अर्पण करने में संकोच का अनुभव करता हूँ, श्री राधे कृपया बताने की कृपा करें। राधे राधे। यदि आपके पास ठाकुर जी का श्री विग्रह है तो ये मानसिक से काम नहीं चलेगा। यदि आपके पास श्री विग्रह नहीं है भगवान का, तो मानसिक पूजा, मानसिक सेवा, मानसिक ज्ञान जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। लेकिन यदि श्री विग्रह आपके पास है तो मानसिक नहीं चलेगा। आप मानसिक भोजन पहले करो, अपना भोजन छोड़ दो जो खाते पीते हो। आपके पास शरीर है ना, और शरीर रखने पर प्राकृत भोजन अर्थात प्रत्यक्ष भोजन करना जरूरी है। आप भोजन अपना छोड़ दो और फिर आप रह सको, तब आप भगवान के लिए बिना भोज्य पदार्थ के मानसिक भोग की बात सोचना। जैसे शरीर के लिए भोजन प्रत्यक्ष चाहिए, ऐसे ही श्री विग्रह के लिए प्रत्यक्ष भोजन चाहिए। हाँ, यदि बिना श्री विग्रह के आप भगवान की आराधना मानसिक करते हैं तो मानसिक भोजन से काम चल जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी कि क्या शाम के 6 या 6:30 बजे करीब संध्या वंदन व माला जप करने के बाद उसी बैठक में मानसिक भोग पकवान पवाया जा सकता है, क्योंकि तो संध्या काल में हम लोग भोजन नहीं करते हैं, लेकिन भगवान को समय की पाबंदी नहीं होती है, तो क्या भोग लगा सकते हैं मानसिक से शाम को, कृपया बताने की कृपा करें, श्री राधे राधे। मानसिक सेवा का संबंध मन से होता है। जब आपका मन ये कहे कि भगवान को भूख लगी है तभी आप खिला सकते हैं, चाहे आधी रात को उठ करके बैठ जाइए, और चाहे संध्या काल हो चाहे प्रातः काल हो, आप किसी भी समय जब आपका मन ये कहता है कि हमारे प्रभु को भूख लगी होगी, उसी समय आप मानसिक सेवा, मानसिक भोग कर भोग भगवान को अर्पण करिए, भोजन कराइए, उसमें कोई बंधन नहीं है।
आपके भाव पर यह निर्भर करता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, मैं मेरठ से हूँ। मेरा प्रश्न है कि गृहस्थी के कर्तव्य को निभाने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता है। घर का माहौल बिल्कुल भगवान के विपरीत है। पति का राक्षसी स्वभाव है, जप करना या प्रभु के लिए कुछ भी करना उन्हें पसंद नहीं है। मेरा कल्याण कैसे होगा जब घर से बाहर किसी रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता है, तो जो भी थोड़ा बहुत चुप कर भजन करती हूँ उसको कैसे बचाऊं, क्योंकि परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है, मुझे ही छोड़ने के लिए बोलते हैं। मेरा मार्गदर्शन करें, भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, श्री राधे राधे गुरुदेव बताने की कृपा करें। त्यजो मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुख जो होते हैं उनका संग त्याग देने में ही कल्याण होता है। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितना ही अपना स्नेही सगा संबंधी हो, चाहे घर परिवार का ही क्यों न हो, यदि उनके संगति में हमारे ठाकुर जी की भक्ति में बाधा पड़ रही है तो उनसे दूर होने में हानि नहीं फायदा ही होता है। इसलिए आपके भजन में यदि बाधा बहुत ज्यादा घर में है और आप कहीं एकांत में रह सकें तो ऐसा कोई अच्छा ही कार्य होगा, अनुचित नहीं होगा। लेकिन यदि आप अपने घर में एक छोटी सी कोठरी, अपनी पूजा की कोठरी बना सकें, जिसमें अकेले में बैठ करके अंदर से दरवाजा खिड़की बंद करके भजन कर सकें, तो बाहर जाने से अच्छा है। लेकिन घर में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो रिश्तेदारी में, नातेदारी में या एकांत में या जहां आपको कोई बाधा न पड़ती हो वहां आप रह करके जा करके भजन कर सकती हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरण कमल में दंडवत प्रणाम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, उत्तरांचल से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हूँ। मेरे ठाकुर जी को प्रियतम भाव से ही धीर उनके साथ शयन भी कर लेती हूँ। भगवान की तरह से उनकी आरती पूजा तो नहीं करती, भोग भी ठीक से लगाने की जगह उनके साथ बैठ के खाना खा लेती हूँ। जैसे एक निवाला उन्हें दिया और वही मैंने खा लिया, फिर उन्हें दिया दूसरा निवाला। क्या इस तरह करना मनमानी आचरण कहलाएगा? मुझे अभी उनसे उतना प्रेम नहीं है, बहुत ही कम रोना आता है उनके लिए। प्रेम में कहते हैं अपना सुख नहीं देखा जाता, तो लगता है अगर हम यह चाहत रखते हैं कि श्री कृष्ण भी हमसे प्रेम करें, आलिंगन करें, हमारे साथ भी प्रेम से बातें करें, तो अपना सुख, अपने सुख की कामना हुई क्या, जो प्रेम में बाधा कहलाता। समझ नहीं आता उन्हें प्रथम मान कैसा भाव रखना, क्या ठीक है, क्या करूं मैं, कृपया क्षमा करें और मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। आपका रास्ता कुछ भी गलत नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के संबंध को बहुत अधिक मानते हैं ठाकुर जी। हर प्रकार से गया गुजरा, गया बीता, बिल्कुल जो योग्यता से विहीन है वो भगवान को प्रेम से रिझा लेता है। जंगल के कोल भील जिनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं था, प्रभु से कैसा व्यवहार करना कुछ नहीं पता था, उनकी प्रेम भरी हुई बातों को सुनकर के सारी सुख सुविधाओं और सब सेवाओं का अधिकार भगवान ने दे दिया था उनको। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे राम जी, आज भी कहे जाते हैं। चित्रकूट में कोल भील सब सेवा कर रहे थे, उनको नहाने तक का नहीं पता था कि कब कैसे करना चाहिए। तो आप भाव से प्रभु को प्रियतम मानती हैं तो आप मानिए, उसमें किसी ज्यादा चतुराई वाले से सलाह बिल्कुल नहीं लेना। भगवान भाव के ही भूखे हैं, आपके प्रेम को, आपकी सरलता को देख करके निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। अपने हिसाब से ही उनको खूब प्यार करो और वो सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप हृदय से लगाओ। आप उनको
बहुत भाव भर करके चुंबन भी कर सकते हैं, हृदय से स्पर्श भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं हृदय से, और प्रभु को प्रियतम मान करके जैसे प्रिया उनको आराधना उनकी आराधना करती उनकी सेवा करती है, आप ऐसे करते रहिए और प्रभु से बात करिए। उत्तर उनका मिले चाहे न मिले, आप उनसे बात जरूर करते रहिए, खिलाते पिलाते समय, सुलाते समय उनसे बोलती रहो, भले उधर से उत्तर न मिले, अंदर आपके जो बात पैदा होती है उसी को मान लेना कि हाँ प्रभु की इच्छा यही है, इसलिए ऐसा मेरे मन में भाव आ रहा है। लगे रहो, कभी यदि प्रभु स्वप्न में भी बोल देंगे तो उतने से समझ लीजिए आपका उद्धार हो चुका है। राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरण कमलों में धन्यवाद प्रणाम। मेरा नाम अमित है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या मोबाइल पर दूर से सुनकर नाम को दीक्षा माना जाएगा? मैं पिछले साल गोवर्धन के शंकराचार्य जी से नारायण नाम सुनकर एक साल से मानसिक जप कर रहा हूँ, क्या यह ठीक है? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। श्री राधे राधे। राधे राधे। जप करना तो अच्छा है, आप संत के मुख से नारायण नाम सुने और जप करने लगे, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन इसे दीक्षा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दीक्षा की विधि होती है दाहिने कान में मंत्र देते हैं संत, उसी मंत्र को ही दीक्षा मानी जाती है। और दूर से किसी ने बता दिया या मोबाइल से बता दिया या लाउड स्पीकर से बता दिया, उसे दीक्षा नहीं कहा जाएगा, उसको उपदेश कहा जाएगा। तो उपदेश को ग्रहण करके आप लग गए हैं तो भी कल्याण करेगा, लेकिन दीक्षा लेने की बात अलग होती है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं मीना गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे घर में जो तुलसी महारानी है उनके ऊपर मंजरी आ जाती है, उसे किस दिन तोड़ना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, कृपया बताने की कृपा करें गुरुदेव। श्री राधे राधे। राधे राधे। मंगलवार, रविवार, द्वादशी, ये तीन दिन बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, और दिनों में जब तोड़ो तो रात में नहीं तोड़ना, दिन में तोड़ना चाहिए, और तोड़ करके उसको कूड़ा में नहीं फेंकना चाहिए। चढ़ाने लायक हो भगवान को तो चढ़ा लो, मुलायम हो तो, नहीं तो पौधे की जड़ में ही डाल देना चाहिए, तो तुलसी माता रुष्ट नहीं होगी। उनका मंजरी तोड़ के आप फेंकोगे तो बहुत ही दोष लगेगा आपको। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी सुबह और शाम घर में शंख बजा सकते हो या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। बजाने का वास्तविक तरीका होता है घर के द्वार पर, घर के दरवाजे के में या दरवाजे के बाहर खड़े होकर शंख बजाना चाहिए, कमरे के अंदर नहीं, कमरे से बाहर निकल करके शंख बजाने का आवाहन होता है, और संदेश भी होता है कि आरती होने जा रही है, आरती के ठीक पहले बजाया जाता है शंख। श्री राधे राधे। महाराज जी कोटिश चरण वंदन, मैं प्रमोद मिश्रा गुड़गांव से बोल रहा हूँ। अनेक ब्राह्मणों के घरों में शालिग्राम भगवान और शिवलिंग देखे हैं, पर उनके घरों में स्त्रियां ही ठाकुर जी को स्नान पूजा कराती हैं, पुरुष नहीं कराते, क्या यह सही है, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। ये बात भाव पर अवलंबित है भाई, अब किसी का भाव हो कि हम पार्वती माता की सखी हैं, सेविका हैं, तो उस माता को शिव जी का पूजन का अधिकार प्राप्त है। किसी का ऐसा भाव है कि हम लक्ष्मी माता या राधा रानी या सीता माता की सेविका हैं, सखी हैं, तो आपको शालिग्राम भगवान की पूजा का अधिकार प्राप्त है। आप बिल्कुल भगवान से प्रेम करिए, और किसी प्रकार से लोगों के द्वारा भ्रमित होने पर आप पूजा मत छोड़ देना। श्री राधे। देखो, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय।